नमस्कार दोस्तों, टुडे इन हिस्ट्री में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आज के दिन इतिहास में हुई कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। 15th March 1493, ऑन दिस डे क्रिस्टोफर कोलंबस रिटर्न टू स्पेन आफ्टर हिज वर्ल्ड टूर। आज ही के दिन क्रिस्टोफर कोलंबस अपने विश्व भ्रमण के बाद स्पेन लौटा था। 15th March 1564, ऑन दिस डे मुगल एम्पायर अकबर वाज रिमूव्ड द जजिया टैक्स। आज ही के दिन मुगल बादशाह अकबर ने जजिया कर हटाया था। 15th March 1744, ऑन दिस डे फ्रेंच एम्पायर लुइस 15 अनाउंस्ड द वॉर अगेंस्ट ब्रिटेन। आज ही के दिन फ्रांसीसी सम्राट लुइस 15वें ने ब्रिटेन के खिलाफ युद्ध की घोषणा की थी। 15th March 1892, ऑन दिस डे फॉर द फर्स्ट टाइम इन न्यूयॉर्क ऑटोमेटिक वैलेट मशीन वाज यूज्ड। आज ही के दिन पहली बार न्यूयॉर्क में ऑटोमेटिक वैलेट मशीन का प्रयोग किया गया था। 15th March 1901, ऑन दिस डे हॉर्स रेसिंग वाज बैंड इन द सैन फ्रांसिस्को ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स। आज ही के दिन अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में घोड़ों की दौड़ पर प्रतिबंध लगा था। 15th March 1919, ऑन दिस डे द यूनिवर्सिटी ऑफ उस्मानिया वाज इनॉग्रेटेड। आज ही के दिन उस्मानिया विश्वविद्यालय का उद्घाटन हुआ था। 15th March 1947, ऑन दिस डे रायट्स वर रेजिंग इन पंजाब। आज ही के दिन पंजाब में दंगे भड़के थे। 15th March 1964, ऑन दिस डे द सोवियत यूनियन कंडक्टेड अ न्यूक्लियर टेस्ट इन एस्टर्न कजाकिस्तान। आज ही के दिन सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान में परमाणु परीक्षण किया था। 15th March 1984, ऑन दिस डे इन द यूरोपियन कंट्री तंजानिया द कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडॉप्टेड। आज ही के दिन यूरोपीय देश तंजानिया में संविधान को अंगीकार किया गया था। 15th March 1997, ऑन दिस डे फॉर द फर्स्ट टाइम ईरान हैज अपॉइंटेड अ वुमन पॉलिटिकल पर्सन इन अब्रॉड। आज ही के दिन ईरान ने पहली बार किसी महिला राजनीतिक को विदेश में नियुक्त किया था। 15th March 1999, ऑन दिस डे एल्डबजोर्ग लोअर बिकेम नॉर्वेज फर्स्ट वुमन डिफेंस मिनिस्टर। आज ही के दिन एल्डबजोर्ग लोअर नॉर्वे की प्रथम महिला रक्षा मंत्री बनी थी। 15th March 2002, ऑन दिस डे द EU समिट वाज स्टार्टेड इन बार्सिलोना। आज ही के दिन बार्सिलोना में यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन शुरू हुआ था। 15th March 2007, ऑन दिस डे द सेटलमेंट बिटवीन वोडाफोन एंड SR वाज कंक्लूडेड। आज ही के दिन वोडाफोन और SR के बीच समझौता संपन्न हुआ था। 15th March 2008, ऑन दिस डे फर्स्ट लेडी IPS ऑफिसर किरण बेदी वाज सिलेक्टेड फॉर जर्मन हॉनर एनेमेरी मेडिसन। आज ही के दिन पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी को जर्मन सम्मान एनेमेरी मेडिसन के लिए चुना गया था। 15th March 2008, ऑन दिस डे स्टैच्यू ऑफ महात्मा गांधी वाज एस्टैब्लिश्ड इन इटलीज पोसिलियो। आज ही के दिन इटली के पोसिलियो में महात्मा गांधी की प्रतिमा स्थापित की गई थी। तो दोस्तों, टुडे इन हिस्ट्री में आज के इस वीडियो में इतना ही, और मुझे पूरी उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा।